आज भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। 7-8 साल के भीतर हमने 10वें नंबर से 5वें नंबर तक की छलांग लगाई है। ये सही है कि दुनिया के हालात ठीक नहीं है। अनेक बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं। दुनिया के अनेक देशों में महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अनेक समस्याएं अपने चरम पर है। 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के साइड इफेक्ट्स 100 दिन में चले जाएंगे, ऐसा न हम सोचते हैं, न हिंदुस्तान सोचता है और न ही दुनिया अनुभव करती है। लेकिन इसके बावजूद संकट बड़ा है, विश्वव्यापी है और उसका प्रभाव चारों तरफ हो रहा है, दुष्प्रभाव हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत पूरी मजबूती से लगातार नए नए इनिशिएटिव लेकर के, थोड़ा रिस्क लेकर के भी ये प्रयास कर रहा है कि ये जो दुनिया भर में संकट है उसको से हम हमारे देश को कैसे बचा पाएं, इसका दुष्प्रभाव हमारे देश पर कम से कम कैसे हो। बड़ा कसौटी काल है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से अब तक तो हम बच पाए हैं। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 वर्षों में हमने देश की अर्थव्यवस्था की उन कमियों को दूर किया है जो रुकावटें पैदा करती थी। साथियों, इस देश में ऐसा वातावरण बन रहा है जिसमें खेती की, प्राइवेट सेक्टर की, छोटे और लघु उद्योगों की ताकत बढ़े, ये देश में रोजगार देने वाले सबसे बड़े सेक्टर है। आज हमारा सबसे अधिक बल युवाओं के कौशल के विकास पर है, स्किल डेवलपमेंट पर है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग देने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इसके तहत अभी तक 1.25 करोड़ से अधिक युवाओं को स्किल इंडिया अभियान की मदद से ट्रेन किया जा चुका है। इसके लिए देश भर में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। इन 8 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के सैकड़ों नए संस्थान भी बनाए गए हैं। हमने युवाओं के लिए स्पेस सेक्टर खोला है, ड्रोन पॉलिसी को आसान बनाया है ताकि युवाओं के लिए देश भर में ज्यादा से ज्यादा अवसर बढ़ें। साथियों, देश में बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के निर्माण में सबसे बड़ी रुकावट बैंकिंग व्यवस्था तक बहुत सीमित लोगों की पहुंच भी थी। इस रुकावट को भी हमने दूर कर दिया है। मुद्रा योजना ने देश के गांवों और छोटे शहरों में उद्यमशीलता का विस्तार किया है। अभी तक इस योजना के तहत करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। देश में स्वरोजगार से जुड़ा इतना बड़ा कार्यक्रम पहले कभी लागू नहीं किया गया। इसमें भी जितने साथियों को यह ऋण मिला है उसमें से 7.5 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं
जिन्होंने पहली बार अपना कोई कारोबार शुरू किया है, अपना कोई बिजनेस शुरू किया है, और इसमें भी सबसे बड़ी बात मुद्रा योजना का लाभ पाने वालों में लगभग 70% लाभार्थी हमारी बेटियां हैं, माताएं बहने हैं। इसके अलावा एक और आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, बीते वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप से 8 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं, जिन्हें भारत सरकार आर्थिक मदद दे रही है। ये करोड़ों महिलाएं अब अपने बनाए उत्पाद देश भर में बिक्री कर रही है, अपनी आय बढ़ा रही है। अभी मैं बद्रीनाथ में कल पूछ रहा था, माताएं बहने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मुझे मिली, उन्होंने कहा इस बार जो बद्रीनाथ यात्रा पे लोग आए थे, हमारा 2.5 लाख रुपया हमारा एक एक ग्रुप की कमाई हुई है। साथियों, गांव में बड़ी संख्या में रोजगार निर्माण का एक और उदाहरण हमारा खादी और ग्रामोद्योग भी है। देश के पहली बार खादी और ग्रामोद्योग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इन वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग में 1 करोड़ से अधिक रोजगार बने हैं। इसमें भी बड़ी संख्या में हमारी बहनों की हिस्सेदारी है। साथियों, स्टार्टअप इंडिया अभियान ने तो देश के युवाओं के सामर्थ्यों को पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया है। 2014 तक जहां देश में कुछ इने दुने सौ स्टार्टअप थे, आज ये संख्या 80,000 से अधिक हो चुकी है। हजारों करोड़ रुपए की अनेक कंपनियां इस दौरान हमारे युवा स्थापित साथियों ने तैयार कर ली हैं। आज देश के इन हजारों स्टार्टअप में लाखों युवा काम कर रहे हैं। देश के एमएसएमईज में, छोटे उद्योगों में भी आज करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में साथी बीते वर्षों में जुड़े हैं। कोरोना के संकट के दौरान केंद्र सरकार ने एमएसएमईज के लिए जो 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की, उससे करीब 1.5 करोड़ रोजगार जिस पर संकट आया हुआ था वो बच गए। भारत सरकार मनरेगा के भी माध्यम से देश भर में 7 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है, और अब उसमें हम एसेट निर्माण, एसेट क्रिएशन पर बल दे रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान ने भी पूरे देश में लाखों डिजिटल एंटरप्रेन्योर का निर्माण किया है। देश में 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर में ही लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। 5G के विस्तार से डिजिटल सेक्टर में रोजगार के अवसर और बढ़ने वाले हैं। साथियों, 21वीं सदी में देश का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। आज देश कई मामलों में एक बड़े आयातक इंपोर्टर से एक बहुत बड़े निर्यातक एक्सपोर्टर की भूमिका में आ रहा है। अनेक ऐसे सेक्टर हैं जिसमें भारत आज ग्लोबल हब बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब खबर आती है कि भारत से हर महीने 1 अरब मोबाइल फोन पूरी दुनिया के लिए एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो ये हमारे नए सामर्थ्य को ही दिखाता है। जब भारत
एक्सपोर्ट के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है तो वे इस बात का सबूत होता है कि ग्राउंड लेवल पर रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में फैक्ट्रियां बढ़ रही है। फैक्ट्रियां बढ़ रही है तो उसमें काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है।